वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ एचएनएमआर स्कूल फॉर क्लास प्रेप। आवर सब्जेक्ट इज मैथ। रिक्वायरमेंट मैथ कॉपी, मैथ बुक, पेंसिल बॉक्स एंड कलर बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्लास वर्क इज इवन एंड ऑड नंबर्स। हमें इवन और ऑड नंबर्स करने हैं कॉपी में। होमवर्क में भी वही काम आपको करना है जो मैं क्लास में करवाऊंगी, इवन ऑड नंबर। बुक वर्क है हमारा होमवर्क का पेज नंबर 34 एंड 38। ओरल है आज का हमारा जीके ओरल एंड क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड पे मेंशन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोग अपनी डायरी में या कॉपी के बैक पे राइट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। नाउ टेक आउट योर मैथ्स कॉपी। फर्स्ट लाइन पे आप लोगों को सवाल लिखना है, ऊपर सबसे टॉप पे इवन और स्लैश डाल के ऑड नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन पे लिखिएगा क्लास, ठीक है। देन उसके नीचे आएंगे, नीचे वाली लाइन पे कॉर्नर से लिखेंगे इवन नंबर्स, ठीक है क्लास। ये दोनों चीज़ें आप कलर पेंसिल से लिखिए, किसी भी कलर से आप ये दोनों चीज़ें लिख लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और कॉर्नर पे लिखेंगे क्यू, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है। डॉट लगाएंगे और सवाल लिखेंगे सी आई आर सी एल ई सर्कल टी एच ई द ई वी ई एन इवन एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स। इस तरीके से आपने नीचे वाली लाइन पे सवाल लिख लिया। ये भी सवाल आप कलर पेंसिल से लिख सकते हैं, चाहे तो ब्लू कलर से ही लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई से भी अच्छे कलर से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे आप आ जाएं और जिस जहाँ से आपने सर्किल लिखना शुरू किया है उधर से ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह 10 तक ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे काउंटिंग। देन उसके नीचे आके 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यहाँ तक इस तरीके से लिखेंगे, जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से। अब आ जाते हैं इवन नंबर्स। होते क्या हैं इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो अपने टेबल में आते हो या टू के टेबल में आते हो, ठीक है। जैसे कि 2 1 2, वन तो अपने टेबल में आता है, इसको छोड़ने 2 1 2, टू के टेबल में भी आता है ना ये, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। चलिए इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। सर्कल मैं रेड मार्कर से कर रही हूँ, आप भी चाहें तो रेड कलर से कर सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज कलर से कर लीजिएगा। उसके बाद है 3, टू के टेबल में 3 तो नहीं आता, 3 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्या है 4, 2 2 4, टू के टेबल में आता है 4, हमने इस पर सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं आता टू के टेबल में, टू के टेबल में क्या आता है 6 आता है, 2 3 6, टू फोर जा 8 एंड टू फाइव जा 10, 11 नहीं आता टू के टेबल में, 2 6 जा 12, 12 आता है, आपने 12 पे सर्कल कर दिया। टू के टेबल में 13 नहीं आता, 14 आता है, 2 7 जा 14, 15 नहीं आता 16 आता है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड देन 2 10 जा 20। अंडरस्टैंड? इवन नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और टू के टेबल्स में भी आते हैं। तरीके से हेडिंग डालेंगे ऑड नंबर्स। कलर पेंसिल से डाल लीजिएगा हेडिंग, ग्रीन कलर से चाहे ग्रीन से, नहीं तो कोई से भी कलर से डाल लीजिएगा। फिर जिस तरह ऊपर इवन नंबर्स की हेडिंग डालने के बाद आपने ये सवाल लिखा था, इसी तरह ऑड नंबर्स की हेडिंग डालने के बाद नीचे साइड में क्यू लिखेंगे और लिखेंगे टिक, टी आई सी के टिक, टी एच द ओ डबल डी ऑड एन यू एम बी ई आर एफ नंबर्स, टिक द ऑड नंबर्स के क्लास। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा इवन नंबर वो होते हैं जो टू के टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं। अब बारी है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है क्लास। चलिए इस पर हमें क्या करना है, इवन नंबर्स पर हमने सर्कल किया था, इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें टिक करना है। 1 क्या है हमारा,
ऑड नंबर है, हमने इसको ऐसे करके टिक कर दिया। वन टू तो टू के टेबल में आता है, तो ये तो ऑड नंबर इवन नंबर है, हम तो क्या कर रहे हैं ऑड नंबर पे टिक कर रहे हैं। ऑड नंबर क्या है? थ्री, थ्री सिर्फ अपने टेबल में आता है। फोर नहीं है, फोर टू के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। फाइव क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये टू के टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये टू के टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद सेवन, सेवन भी हमारा ऑड नंबर है, क्योंकि ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद नाइन, नाइन भी ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर है हमारा। नाइन के बाद टेन, टेन टू के टेबल में आता है। इलेवन, इलेवन क्या है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। इस पर हमने टिक कर दिया। टिक भी आप लोगों को कलर पेंसिल से ही करने, क्लास कोई से भी कलर से टिक कर सकते हैं, ठीक है। ट्वेल्व टू के टेबल में आता है, थर्टीन अपने टेबल में आता है, ये क्या है? ऑड नंबर है। फोर्टीन टू के टेबल में आता है, फिफ्टीन आता है टू के टेबल में नहीं आता, फिफ्टीन जब अपने टेबल में आता है तो ये ऑड नंबर, इस पर टिक कर दिया। सिक्सटीन आता है टू के टेबल में, अभी देखा ऊपर इवन नंबर था वो। सेवनटीन टू के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। एटीन आता है टू के टेबल में, नाइनटीन आता है टू के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है? ये भी हमारा ऑड नंबर है। अंडरस्टैंड क्लास? सेम एज इट इज आपको अपना होमवर्क में भी काम करना है, जिस तरीके से आपने क्लास वर्क में काम किया है। अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं हम अपने बुक वर्क पे। दिस इज आवर मैथ बुक, ओपन पेज नंबर 80 एंड 82। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्लास, क्योंकि आपने अभी इवन और ऑड नंबर का काम किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ इवन और ऑड नंबर सिर्फ मैंने तो 20 तक करवाए आपको, लेकिन ये देखें 100 तक आपको यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है ऑड नंबर्स, और इसमें ग्रीन कलर हुआ हुआ है जो जो ऑड नंबर्स हैं, मतलब ये ऑड नंबर सारे वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अंडरस्टैंड? आप देख सकते हैं 100 तक काउंटिंग में कौन कौन से ऑड नंबर हैं। इसके अलावा पेज नंबर 81 पे आपको इवन नंबर्स दिए हुए हैं। इवन नंबर वो नंबर जो अपने टेबल में भी आते हैं और टू के टेबल में भी आते हैं। तो टू के टेबल में टू भी आता है, ट्वेल्व भी आता है, फोर भी आता है, सारे इसमें इवन नंबर्स पे सर्कल वो कलर हुआ हुआ आप देख सकते हैं। 100 तक ये भी दिखे हुए हैं, 100 तक आप देख सकते हैं कि जिस जिस में कलर हुआ हुआ है वो सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम होमवर्क के पेजेस पे।